जिसके घर में परी जैसी बेटी है, और जो सामाजिक ताने बाने के अंदर, इस सामाजिक संस्कृति के अंदर अपना घर परिवार चलाकर अपना जीवन चलाते हैं। प्रत्येक परिवार बीकानेर जिले का नहीं, पूरे राजस्थान का और पूरे देश का परिवार इस घटना से पीड़ित है। आज पूरे बीकानेर जिले से गांव-गांव डाणी-डाणी से पधारे हुए जो यहां पर पहुंचे हैं, उन सब के लिए ये सोचने का विषय है कि इस प्रकार की घटनाओं से समाज किस दिशा के अंदर जा रहा है। बैठो भाई, ओ बेटी बैठ जाओ, बैठ जाओ। हेलो, आज बैठो भाई साहब, बैठो, नीचे बैठो। जिस मजबूती की जरूरत नीचे बैठो प्रत्येक व्यक्ति को है, और परिवर्तन की शुरुआत खुद से होगी। आज इस परिस्थिति के अंदर समाज के अंदर तरह तरह की बातें चल रही है, लेकिन जो अन्याय करने वाला होता है उस अन्याय के खिलाफ न बोलने वाला, अन्याय को घर बैठकर आंख मूंद कर देखने वाला भी अन्याय का बराबर भागीदार होता है। ये गीता में लिखा है, इस चीज को प्रत्येक व्यक्ति जानता है। आज अगर हमारी बहन संकट के अंदर है, परिस्थितियां चाहे कुछ भी रही हो, घर के अंदर घुसकर बहन के नाम पर जिस प्रकार का शोषण इस दुर्दांत मुन्ना नाम के अपराधी ने किया, ये इसके लिए नया नहीं है। इस बीकानेर जिले के अंदर नहीं, यहाँ पर चोरू से आए हुए तारानगर के प्रत्येक जिले से लोग आए हुए हैं। यह मुन्ना नाम के आदमी ने 18 लाख रुपए दो दिन पहले बीकानेर जिले के अंदर ब्लैकमेल करके लिए, चोरू से 40 लाख रुपए लेकर आया। एक नंबर का भ्रष्टाचार, और घर में घुसकर प्रेम और स्नेह के बहाने से घर में घुसकर सीधे साधे भोले परिवारों को फांस कर और उनका उपयोग करता है। और जब इसको पता चला कि एक यहाँ पर पूनिया नाम का व्यक्ति इस परिवार को बचाने के लिए आगे खड़ा है, समाज इस परिवार के साथ में खड़ा हो रहा है, तो उस पूनिया पर पहला फुसला कर 300 क्षेत्र का मुकदमा करा दिया। आज को समाज के अंदर जो किसान के लिए काम करने वाले लोग हैं, वो जेल के अंदर बैठे, इस विषय में हमें सोचना होगा। कब तक हम आज ब्लैकमेल जिस स्तर पर चल रहा है कि पुलिस के आला अधिकारी, आईपीएस और कलेक्टर भी, आप पढ़ते होंगे कि जयपुर के अंदर फलाने वकील का, फलाने अधिकारी का किस प्रकार से हनी ट्रैप हो रहा है। इस प्रकार का उपयोग भी ये जो मुनिया नाम का अपराधी जो लड़का लड़की को भगा कर लेके गए, उसके बाप का ये बिजनेस है। आज इस सर्व समाज को बाकी सारी बातों को छोड़कर इस अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना होगा कि भविष्य के अंदर चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, परिवार के अंदर झूठे प्रेम और स्नेह का नाम लेकर परिवार भोले भाले परिवारों को फांसने का जो काम राजस्थान के अंदर बीकानेर जिले के अंदर जो चल रहा है, उस पर आज ताबूत के अंदर अंतिम कील लगाने का काम यहाँ पर पधारा हुआ प्रत्येक नौजवान करेगा। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सर्व समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति से एक समय पर गलती हो गई, लेकिन उस गलतियों करने वाले व्यक्ति को आज इस सभ्य समाज के अंदर हम मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। आज अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो इस प्रकार की घटनाएं सरेआम एक को छोड़कर दूसरे परिवार के साथ में इस प्रकार के लोग करेंगे। जो इस लड़के का बाप मुनिया 50 से अधिक लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठ चुका है, लेकिन पुलिस इससे डरती है, प्रशासन इनसे डरते है कि काल ने आपनो नाम नहीं आजे। अरे आपनी बहन को नाम आ गयो, अपनी बेटी ले रही जो जब थारो नाम ला रहे रियो कठा, तो बताओ किसी इज्जत का खोल कर मां बैठे होते। और नाम कभी व्यक्ति का नहीं होता, कभी किसी परिवार का नहीं होता, नाम समाज और क्षेत्र का होता है। आज अगर बड़े स्तर पर देखें तो देश के अंदर राजस्थान का नाम खराब हुआ, राजस्थान के अंदर बीकानेर का नाम शर्मसार हुआ है,
और बीकानेर के अंदर यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति शर्मसार हुए कि हम आखिर नपुंसक तो नहीं बढ़ गए। इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ अगर हमारा खून नहीं खोलता तो ये मानव जीवन व्यर्थ है। हमें सोचना होगा, हमें लड़ना होगा और हमें अपने अधिकार के लिए बोलना होगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से जो आगामी हमारी रणनीति है, मैं पीड़ित परिवार के साथ में जब से ये घटना मेरे कानों तक पहुंची, मैं बताना चाहता हूं कि मैं राजस्थान से बाहर था, उसके बाद मैं उदयपुर था। जैसे ही मुझे पता चला, मैं तुरंत वहां से पीड़ित परिवार के साथ में खड़ा था। आज हमें सोचने की जरूरत है कि जो दादाजी और पिताजी हमारे बीच में बैठे हैं, समाज के लोगों ने जब ये दर्द जब परेशानी के अंदर इनके साथ में मारपीट करके इनके हाथ पैर तोड़े, तो कोई भी व्यक्ति इनके साथ में सबसे पहले आगे आने के लिए तैयार नहीं था। तब इन्होंने जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, तो प्रत्येक नौजवान की भावना इनके साथ आई और समाज के साथ में, समाज का प्रत्येक व्यक्ति इनके साथ में, सर्व समाज का प्रत्येक व्यक्ति इनके साथ में खड़ा है। आज बीकानेर जिले का प्रत्येक घर इनका घर है और इस मंच के माध्यम से मैं दादाजी को विश्वास करना चाहता हूँ कि चाहे गलतियां चाहे कितनी भी हो, चाहे मेरे से हुई हो, चाहे किसी भी व्यक्ति से हुई हो, आज समाज आपके साथ खड़े है। आपको एक एक आपका एक एक आंसू का बदला एक एक खून के कचरे के रूप में लिया जाएगा। आज जिस रणनीति के तहत एक छोटे से संदेश पर आप सारे लोग आए, हमें बहुत ही समझदारी के साथ में चलने की जरूरत है, क्योंकि जो इस प्रकार के लोग होते हैं इनके तार बहुत लंबे होते हैं, हमें आवाज देकर लोगों को बुलाना पड़ता है, लेकिन इस प्रकार के भ्रष्ट और राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के संपर्क और इनका दिमाग हमसे ज्यादा तेज चलता है। हमें एक रणनीति के तहत चलना होगा कि किस प्रकार से सबसे पहले सांप को मारना जरूरी है, तो सबसे पहले इस मुनिया का जय की सलाखों के पीछे होना जरूरी है। हमारी प्रशासन से मांग है, हमारी प्रशासन से मांग है कि सबसे पहले ब्लैक मेल करने वाले इस मुनिया के खिलाफ नया शहर थाने के अंदर जो मुहिम चल रहे हैं, जिसमें इसने कल ही पैसे लिए, उस मुनिया को गिरफ्तार किया जाए और जैसे ही यह मुनिया गिरफ्तार होगा, इसकी षड्यंत्र के तहत हमारी बेटी को लेकर भागे, इसका बेटा भी सरेंडर हो जाएगा, पीछे पीछे आ जाएगा। आज जो वीडियो इस बात पर देश के कानून पर नहीं जाना चाहते, न्यायपालिका पर नहीं बोलना जाना नहीं चाहते, क्योंकि लड़का अगर बालिग है, पुलिस को कहने के लिए कि लड़का बालिग है, लड़की बालिग है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, पुलिस के हाथ बंधे हो सकते हैं लेकिन हमारे हाथ नहीं बंधे हुए। लेकिन हमें इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमारे बुजुर्गों के सानिध्य के अंदर नौजवान साथियों के जोश के साथ में एक रणनीति के तहत काम करना है। आज सबसे पहले हम इस मुन्ने के खिलाफ परिवार दे रहे हैं और परिवार वकील साहब और सरपंच साहब पर पूछे तमाम लोग यहाँ पर विराजमान है, उसकी ड्राफ्टिंग तैयार हो गई है। लड़की की माँ बाहर गाड़ी के अंदर पिछले एक घंटे से हमारे इंतजार कर रहे हैं, आंसू से रो रहे हैं कि कब हमारे न्याय के लिए हमारा कदम उठे। पिछली डेढ़ घंटे से हमारी बहन गाड़ी के अंदर बैठे, पिताजी और दादाजी आपके बीच में हैं, हम वो परिवार देंगे और उस परिवार के साथ में सर्व समाज के सम्मानित लोग यहाँ पर आए हुए, इनकी एक मांग रहेगी, क्योंकि ये सार्वजनिक बात है, मंच पर बात करनी जरूरी है, इसलिए आप सब लोगों के बीच में करें और दोनों हाथ खड़े कर जो इस बात से सहमत हो अपना विचार उठाएं। सबसे पहले हमारी मांग है कि मुनिया गिरफ्तार हो, बताओ। हमारी मांग कि इस पर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, आज जिस प्रकार से इसने शोषण किए, शोषण का मुकदमा भी हमारी बहन की तरफ से एसपी के सामने, कलेक्टर के सामने, क्योंकि किसी न किसी को रानी लक्ष्मीबाई बढ़कर आगे आना होगा इनके खिलाफ, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। हम ज्यादा मांग नहीं करेंगे, दो मुख्य मांग है कि मुन्ने को गिरफ्तार करे और जैसे ही गिरफ्तार होगा तुरंत हमारी बहन को यहाँ पर लाए, उसके बाद में परिवार और समाज के व्यक्ति
उसका जो समझ होगा, जो वो होगा, परिवार के लोग बैठ के बात करेंगे, वो परिवार की बात परिवार पर है, लेकिन उस अपराधी को छला को भी पीछे डालने की हमारी मुख्य मांग है। इसको लेकर आप सबका जो समर्थन मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार प्रकट करते हैं। आज इस मंच के माध्यम से आगामी, क्योंकि आज से हम लोग इलेक्ट्रिक की ओर कूच करेंगे, तो लोग जो बुद्धिजीवी बन के कमरों के अंदर बैठे हैं वो हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं कि ये इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये उद्यम करेंगे, ये जैसे पैदल निकलेंगे एक बैंक को न्याय दिलाने के लिए आए और दूसरी बैंक को स्कूटी पर चलते हुए को छेड़ेंगे, ये लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन 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 हमें पूरे संयमित तरीके से हमें पूरे संयमित तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से बीकानेर जिला कलेक्टर की ओर कूच करना है। और अगर न्याय की बात नहीं होती थी, अगर न्याय की बात नहीं होती थी तो बीकानेर कलेक्टर की एक एक ईंट को लेकर आने का भी जिम्मेदार नौजवान साथियों पर लेना चाहिए। लेकिन हमें समझदारी का परिचय देना है कि बड़े संयमित तरीके से, क्योंकि अगर अपराधी को सलाखों के पीछे डालना है तो प्रशासन हमारे साथ में खड़ा होना जरूरी है। प्रत्येक बेटा व्यक्ति समझता है इस बात को, प्रशासन हमारे साथ रहेगा। पुलिस अगर आज शाम तक गिरफ्तार करेगी वो बैक टेबल पर बात होगी, यहां जैसे बैठे वैसे ही हमारा पड़ाव कलेक्ट्री पर रहेगा, और जो भी सर्व समाज के सम्मानित व्यक्ति कमेटी में रहेंगे वो इस चीज का निर्णय करेंगे। आप सबके बीच में मैं सबसे छोटा हूं, मेरी भावना के अंदर अगर मैंने कुछ गलत कहा तो आप सबसे माफी चाहता हूं। लेकिन जो दर्द पिछले दिनों के अंदर इस पीड़ित परिवार का देखा तो कोई भी बंधन रोक नहीं पाया। आप सब लोगों के बीच में दादाजी और पिताजी मौजूद हैं, आप एक बार सुने हाथ खड़े करके इस परिवार को संबल देने का काम करें। मैं क्योंकि 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 हमारी आगे की कार्रवाई कलेक्ट्री पर होगी, मैं मंच से निवेदन करता हूं कि हमारी बहन बाहर गाड़ी में बैठी है, जल्दी से जल्दी निवेदन है कि कलेक्ट्री को अर्पण करेंगे। मुख्य वक्ता और जो हमें सर्व समाज के यहाँ पे बैठे उनसे बोलने के बाद में आगामी रणनीति पर विचार करें। धन्यवाद। धन्यवाद महात्मा जी, उन्होंने हमें बताया कि हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी बेटी बाहर गाड़ी में बैठी है, तो हमें यहाँ ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। मेरा अनुरोध है इस सभा में आए हुए श्री महिपाल सिंह जी, जो कर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो आए और हमें दो वचन कहें। महिपाल जी छोटो सो वर्ड बोल बचाऊ, कई सारा लोग मुद्दो उठायो, कई थका कई मारना, कई मन केवा के ऊट तो क्या ले लियो, ऊट तो है तो पड़े है, लेकिन हाथ उठा के बोल दो कि कितने पड़े हैं, कितने नहीं है। ये ऊटते है या बड़ा तीर है मुझे नहीं मालूम, पर जो भी है मेरे बाप दादाओं की इज्जत के लिए ऐसा तीर मैं लेता रहूंगा, चाहे वो कभी भी आए और कभी भी। और कोई आपकी पोती खातर और गुहार लगा रहे कि मैं हिंदू हूँ और मैंने इस बात की शर्म महसूस भी होनी चाहिए, फिर नहीं आया जो मैंने मान लो कर लो अन्य गुण मन बजे चाहे महाराज जान का 1,00,000 आदमी बढ़ जाए, 500 तरह की बातें आपस में, ये राजपूत है ये जाट है, कर्णी सेना राजपूत की बात करती है, नो डाउट करती है, चाहे क्षत्रिय हो, 3600 कौम की भी बात करता हूँ, मेरी बहन बेटियों की भी बात करता हूँ, तो मेरी
वो चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो, बहन बेटी हर एक घर की इज्जत होती है। मैं मुसलमान समाज से भी बोलना चाह रहा हूँ, अरे भाई अगर वही काम मालो युवा करवा ला गया तो बुरका फाटा दिखाला ठीक है ना। पर वो है कि हमारा संस्कृति है, हमारे यहाँ की व्यवस्था है कि हम किसी की बहन बेटी को बुरी नजर से नहीं देखते, हम हमारी बहन बेटी को दूसरी बहन बेटी के बराबर देखते हैं, हम कभी ऐसा नहीं सोचते। और कोई अगर ये घृणित मानसिकता रखता है तो इस राजस्थान में तो वो जिंदा नहीं जाएगा, उसको यहाँ नहीं घुसने देंगे। ये यहाँ की संस्कृति नहीं है, ये संस्कृति यहाँ की नहीं है। ये जब पहला मुद्दा आया लोगों ने बोला राजस्थान में भी लव जिहाद की एंट्री हो गई है, टांगा काटने वाला लव जिहाद की घुसपा कर गया। जात की धर्मशाला नहीं, जात की धनी में जानो पड़े। हमारी बहन बेटा कहते हैं और क्षत्रिय करने से ना हमेशा तैयार। आप राजनीति के गोटियां सेकने के लिए आप जातों को राजपूतों से, राजपूतों को दूसरी कौमों से लड़ा सकते हो, मेरी बहन बेटी की इज्जत के लिए तुम कहां एमएलए लेता हो? एक नेता बताओ तो एमएलए एमपी है यहाँ का, एक भी नेता का नाम बताओ जिसने एक शब्द बोला कि मेरी बेटी को लेकर उस हराम गोर को पकड़ो। उसके अलावा बताओ क्या बोला जाए, क्या बोला जा रहा? अरे केंद्र में कौन जाना पड़े, वो तो घर को खाको ही खराब है। तू बताए कि खाको तू देगा कि नहीं, तू देगा कि सर्टिफिकेट हर खाको के अंदर भिजवा बता तुमका घर का खाका। अरे अपनी खुद की देखो पहले, और किसी और के लांछन बाद में रहेगा ना। अपने दादा की जो पोती है ना वो उससे बढ़िया उससे अच्छी वो उसको कोई नहीं लग सकती, वो उसकी प्रिय उसके हाथ से पानी पोसी बेटी और लोग सर्टिफिकेट दे रहे। और बात तो खुद को खुद ही कौन पीता, हाल तो 18 साल की पूरी होगी, 18 साल की होती है अगर वो किसी के साथ गुजर गई और वो वीडियो जारी करी तो उसको नहीं मालूम है कि मेरा अच्छा बुरा क्या है। अरे एक और मस्जिद था के वो चाहूँ बाजी जब नाबालिग थी और उसी के घर में वो घुसे, वो टीनर जो भी हो वो घुसे डोरा डालते वो केस कर मैंने बड़े कर मैंने प्रशासन कट भर के बात थी। जब हम क्यों नहीं कर रहा प्रशासन बात के ये गलत हो रहा था, किसी के हिंदू के घर में तुम धर्म के भाई बन के धर्म के नाम पे हम मायने मिटने को तैयार रहते, धर्म धर्म के नाम पे आप बोलोगे वो करने को तैयार रहते। पर एक बात आपको मैं पूछना चाहता हूँ, क्या धर्म के नाम पे तुम इस तरीके का व्यवहार हमसे करोगे कि धर्म के भाई, धर्म को भाई मतलब भाई मोटो भाई, और भी मैं घुसते यान को चला यान को नाचो को काम करो। अरे थाजियान जान तो सारा आता जाता जूता ही ठोक ठोक के मारना चीजें यहाँ करोगे वो ही हम चीजें। ये गलत जो भी है परिपाटी गलत है। एक बार एक ढोली हो गई बिको मैं वीडियो देखियो वो कैसा मैं राजपूता का ढोलिया, अरे पूरा ढोलियान को ही गाली थोड़ी कर रहा। अगर थाने ढोलिया में ही थोड़ा अगर पानी बच गयो तो भी थोड़ा पकड़ लियो और माका सुपुर्द करो, अभी थोड़ी माके लियो कैसा माके छोड़ा हूँ गलत काम हो गयो। और तो था समाज को काम है, अगर थे तो हाथ से बड़ा बचाओ, तो अगर थे भाईचारा की बात करो तो नहीं तो लट माके ना है और मैं जीते ले लियो मतलब तो मन ध्यान किया थाने देड़ो क्या कह चला। सब लोग हटाया और देखो ये हजारा की संख्या में, ये मैं कोई नेता नहीं, मैं कोई चुनाव की यहाँ पे मीटिंग करने नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ केवल इस पीड़ा से कि माला बूट गया जगह लास्ट पीट है बूट ना जगह आपका पोता के प्रति आज हता हुआ क्या हमारी इज्जत है नहीं देवड़ा आप कहीं केवल के लोग मेरी कर ली पढ़ा लिखा सा कर ली आगला की मर्जी